कम से कम एक फर्द का नाम लेके जिनको आपने पढ़ाना है, कम से कम एक फर्द का नाम ये तालिब इल्म है, तालिब इल्म है, बेगम है, वालिद है, दोस्त है, पड़ोसी है, बकरी है। बेगम तो हमें पढ़ाती है तो आज यही तो सिखाने आए कि कभी आप पढ़ेंगे और कभी उनको पढ़ाएंगे। ये रवैये को बदलना है इशारों के साथ और वो इशार कहते हैं ना, रोज कहता हूँ उसे भूल जाऊंगा, रोज ये बात भूल जाता हूँ, रोज ये बात भूल जाता। तो हम कहते हैं रोज ये कहते हैं कि घर वालों को पढ़ाएंगे, रोज ये बात भूल जाते। ठीक है, दूसरा उसूल ये है कि जब आप पढ़ाएंगे, जब भी हम किसी मजलिस में बैठते हैं तो हर इंसान का एक जहनी सतह होती है, एक लेवल होता है। दूसरा उसूल याद रखिए कि दिमाग कुदरती तौर पे तीन काम करते हैं जब कोई बात होती है। सबसे पहले कुव्वत समाअत हरकत में आती है, हम सुनने के अमल से गुजरते हैं। नंबर दो, जब भी हम बात सुनते हैं तो हमारे पास मेमोरी में हमारे दिमाग के अंदर जो है, जो हिस्से मुश्तरक है, उसके अंदर जो मवाद जमा होता है पहले से भी मवाद मौजूद है। तो ये जो नए मालूम आती पुराने मालूम के साथ मुआजना होता है, क्या होता है मुआजना। तीसरे नंबर पर कंपेयरिंग जिसे कहते हैं, तीसरे नंबर पर जो अमल होता है वो होता है नतीजा। वो क्या होता है नतीजा। वो आप लोगों ने मनाते कि वो पढ़ा है कि उसूल जो है वो गायब से उसूल इलम मजहूल से उसूल इलम मतलूब की तरफ आने का नाम क्या है, तस्वर और इदराक है, इलम है। तो तस्वरात मालूमा से तस्वरात मजहूला की तरफ, या तस्वरात मजहूला से तस्वरात मालूमा की तरफ आने का नाम क्या है, इलम है। और फिर हजर असद को आप गिराते तो नतीजा जाहिर होता। तो इसी तरह दिमाग भी यही करता है कि जब कोई बात सुनता है तो दिमाग पहले से मौजूद बातों का मुआयना करता है और हद औसत को गिरा के नतीजे जाहिर कर देता है कि यह बात हमारे लिए मुफीद नहीं। अगर दिमाग ने पहले ही से यह फैसला कर लिया कि यह मालूमात मेरे लिए मुफीद नहीं है, उसके बाद जितना भी कोई दम लगाए यकीन जाने ब्लॉक क्रिएट्स हो जाते हैं, दिमाग के अंदर नए रास्ते बंद हो जाते हैं, उसमें इल्म नहीं मुंतकिल। ये सबसे बड़ा एक अलमिया है कि हम जो थोड़ा बहुत कुछ सीख लेते हैं तो जब नए सीखने के अमल से हम गुजरते हैं तो दिमाग इस बात का इदराक ही नहीं कर पाता कि हमें भी इससे कोई फायदा होगा। या तो हम समझते हैं इदारा वालों ने भेज दिया, चलो यार टेन पास पूरे करना है, क्या करना, चलो यार दिहाड़ी लगानी है कर लेते हैं, तीन दिमाग गुजारेंगे, तीन याद गुजार लेते हैं जी। हम चूंकि अपना तलब इलम नहीं होता, अंदर का जो इश्तियाक है ना, गमे आरज़ू की नाकामी हसरत का सबब और क्या बताऊं, मेरे शौक की बुलंदी मेरी हिम्मतों की पसंद। हम चाहते तो बहुत कुछ है कि बड़े बड़े चीजें हो जाए, लेकिन हम लोग जो है वो चाहते नहीं है। कुदरती तौर पे हम लोग, चूंकि हम लोग इदारों की मजबूरियों की वजह से अपनी जाती तलब नहीं होता, तो जब जाती तलब नहीं होता तो कुव्वत इदराक भी वो तलब नहीं देते। जब तलब इदराक नहीं होगा, तलब कुव्वत बेदार नहीं होगी, तलब कुव्वत बेदार नहीं होगी तो तलब जो इस्तिंबात और अखज है वो बेदार भी नहीं। लिहाजा हम जाते हैं प्रोग्रामात में, सेमिनार्स में बैठ जाते हैं, दो चार तस्वीरें हो जाती है, अच्छा सा गाना गा लेते हैं, दूसरे को टुड्डा मार लेते हैं, कैसे रहा टाइम का पूरा होगा, पांच होने वाले चलो। तो जिंदगी यूं ही गुजरती है, तब्दीली नहीं आता है। तो इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप के साथ हम कितने मुखलिस हैं, हम औरों के इखलास को छोड़ हम अपने साथ कितने मुखलिस हैं। तो दूसरा उसूल याद रखे कि आप लोग के पास साहिब इल्म लोग हैं यकीनन, इसमें दो राय नहीं है, आप लोग दर्स तदरीस से वाबस्ता लोग हैं, इल्म मुताला से शगफ है आप लोगों को यकीनन। लेकिन खुदारा जब भी कहीं बैठ जाओ, हो सकता है कि कोई एक बात ऐसी हो जो आप लोगों ने नहीं सुनी और आप लोग ये बहुत मुफीद साबित हो जाए। तो इसलिए अपने दिमाग के दरीचों को खोले रखो। आज अक्सर लोग अपने नाकामी का वो बताते हैं कि यार ऐसा हुआ, पढ़ लिया हमने, ट्रेनिंग भी की, कुछ तब्दीली नहीं आई, पता नहीं ये ट्रेनिंग करने का कोई फायदा है या नहीं, बस ट्रेनिंग वालों की अपनी कुछ जो है ना जुगाड़ बनाने की तस्वीर होती है, हम लोग भी जुगाड़ होती बस चलता है। तो इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। वो फैज मत फैज की गजल है ना, क्या है बड़ी अच्छी, वो उन्होंने एक गजल इस मामले में कही थी कि वो लोग जहां में अच्छे थे, वो लोग जहां में अच्छे थे, जो इश्क को काम समझते, इश्क को काम समझते थे, हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ काम किया
कुछ उस्ताद साहब कुछ काम किया कुछ भूल गए कुछ इश्क किया कुछ काम किया कुछ इश्क किया इश्काम आड़े आता रहा इश्काम के आड़े और काम से इश्क उलझता और काम से आखिर हमने तक आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया आखिर हमने तक आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया ना इश्क किया ना काम लाना हम चाहते हैं तरक्की कर ले यार इदारे ऐसे हैं यार हुकूमतें ऐसी है यार मैक में ऐसे हैं हम चाहते बढ़ने यार ये लोग खुद नहीं चाहते तनख्वाहें ऐसी रोज का रोना रोज का रोना स्टीफन कवी की किताब सेवन हैबिट्स हाई एफेक्टिव पीपल जो है एक किताब है उसका उर्दू तर्जुमा हो चुका है मौसर तरीन लोगों की सात आदत मौसर तरीन लोगों की सात आदत उसमें उन्होंने जो है ये कभी जो है एक इदारा है ट्रेनिंग कराती है सेवन हैबिट्स पर बाकायदा ट्रेनिंग होती है बहुत महंगी ट्रेनिंग है चार पांच लाख रुपए फी आदमी से चार्ज करते हैं हमने वो ट्रेनिंग ली थी तो उसमें लिखा था कि एक होता है इंसान हालात का पैदावार होता है किसका पैदावार होता है बस हालात ऐसे हैं तो हम भी ऐसे हैं और एक जो कामयाब तरीन लोग होते हैं वो हालात खुद क्रिएट करते हैं वो हालात बनाते हैं हालात बनते नहीं उसके हालात बनाने पड़ते हैं जो तख्लीकी सलाहियत वाले लोग होते हैं वो हालात की पैदावार नहीं होता रोज लोग रोज है तो हम लोग भी रोज लोग रोज लेट जाते हैं तो हम भी लेट जाए लोग जो है वो चूंकि तरक्की नहीं होती थी तनख्वाहों में इतना ही काम हो सकता है हम भी ये करें तो जब हमारी सोचों की वो एक इंडियन वो है बहुत अच्छी किताब है उनका नाम है यू कैन विन तुम जीत सकते हो तुम जीत सकते हो उसमें उन्होंने एक मिसाल लिखी एक मछेरा था वो मछली पकड़ने के लिए बैठा था साहिल पर तो बड़ी मछली आ जाती वो पेल देता और छोटी मछली आ जाती वो रख देता हम जैसे कोई देहाती टिंडू आ गया तो उससे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो इतनी बड़ी मछली आ रही है और आप पहनते जा रहे हो उसने कहा मेरे पास जो फ्राई पान है ना वो छोटा जो मेरा फ्राई पान है वो क्या है छोटा है छोटा है तो बड़ी मछली में कैसे तलूंगा आज हमारी जो है सोचों की मियाद जो है वो छोटी है तो इसलिए बड़े सोच का इदराक ही नहीं है तो बड़े मौके आ भी जाते हैं लेकिन हाथ से निकल जाते हैं फेंक देते क्या करेंगे यार इस्तग़ना का इजहार कर लेते हैं हमारी जबान में मौलवियों की जबान में हम क्या कर लेते हैं इस्तग़ना का इजहार कर लेते हैं अब उसको दूसरे माने में बेअदबी के अल्फाज होंगे तो हम उसको इस्तग़ना के लफ्ज़ निकाल लेते हैं वो एक मुहावरा है कि छोटी मोच पांव की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती बाहर है तो दूसरा उसूल क्या हुआ अपने दिमाग को आप जरूर सुने मुआवजा करें लेकिन फैसले के अमल को क्या करें मोखर करें अभी फैसला ना करें हाँ जब नशिस्त पूरी हो जाए आपस में बैठ के खुलकर गपशप लगाए एतराज करें जवाब ढूंढे और कह दे कि मान ली मुफीद नहीं था तो आप लोगों ने जो है इतने अरसे से कानों की जकात ही दी होगी हो सकता है कि आज मौलवी के नाम से जकात दे दी कानों कोई बात नहीं ना तीन घंटे जिंदगी में कानों की भी तो जकात अदा कर देने चाहिए तो आप लोग कह देना कि आज की जो है वो शाम मौलवी के जकात के नाम तो कोई मसला नहीं लेकिन जब भी आप लोग पढ़े बैठे नशिस्तों में तो ये जरूर इकरार करें कि अपने दिमाग के दरीचे को कितने उसूल हो गए दो दूसरे उसूल ये के सुनने के अमल को सुनते रहें और फैसले के अमल को मौखर कर दें फैसले के अमल को क्या कर दें मौखर कर कितने उसूल हो गए भाई आप यकीन जाने जब भी आप अब तरबियती व शौकों से गुजरेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे तो बहुत फायदा हुआ यकीन जाने कि जब मैंने क्योंकि हम लोग देहाती सरहद के रहने वाले हैं तो हमारे यहाँ फलसफा मंतिक और इस चीज़ का बड़ा बहुत था और हमें इल्मियाना तकबर भी बहुत था क्योंकि हम समझते थे यार इन गोरों को क्या पता इनको क्या पता इनको क्या पता तो हम लोग जो है वो वहाँ से पढ़ के आए थे तो हमें भी ये नशा था तो यकीन जाने जब भी क्लासों में बैठे कोई फायदा नहीं होता तो जब ये उसूल समझ में आया तो पता चला कि यार ये तो हमारे इलम के लिए सबसे जहर कातिल यही चीज है
ہم تو پہلے ہی سے موازنہ کرنے لگے اس کی شکل کو دیکھ کر, اس کی صورت کو دیکھ کر, اس کی جسامت کو دیکھ کر, اس کی حریت کو دیکھ کر, اس کی پنڈوپن کو دیکھ کر, اس کے جو ہے نا باتوں کے لہجے کو دیکھ کر, ہم تو اسی میں پڑے رہے ہیں. وہ چلتا کیسا ہے, اس کی ڈال کیسی, اس کی چال کیسی, وہ بولتا کیسا ہے, ہم تو انہی میں پڑے رہے ہیں. وہ جو مقصود تھا اسے ہم لوگ نظر انداز. تو یاد رکھیں کہ آپ لوگ علم کی طلب میں اپنے فیصلے کی قوت کو مؤخر کر دیں, فی الحال بس صرف سنیں, موازنہ بعد میں کر لیں. موازنہ کیا کر لینا بعد میں. اب آتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے وہ اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ ہے, کیونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے اور انتہائی اہم ہے, اور یہ تین دنوں کی پر مشتمل ورکشاپ ہے. میں صرف اس کی سمری کچھ خلاصہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اتنا ہے کہ بس صرف آپ لوگوں سے وابستگی ہو جائے, نہ تو اس فن کا اب جو ہے اس کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں, نہ آپ لوگ کا حق ادا کر سکتے ہیں. اللہ آپ لوگ بہت جزائے خیر دے, آپ لوگ توجہ سے سن رہے ہیں, لیکن اتنا ہے کہ ایک تعارفی ایک پروگرام ہے, تعارفی ایک نسبت ہو جائے گی انشاءاللہ. کلاس اتوار کو ہماری ورکشاپ ہے ایک دن کی, آپ سب آزاد کو بغیر فیس کی دعوت ہے عتیق صاحب کی وجہ سے. اگر کوئی بھی ساتھی شریک ہونا چاہے تو آپ لوگ ہمارے مہمان بن کے آئے, پورے دن کی ورکشاپ ہے, آپ اکرام بھی کریں گے, آپ لوگوں کو فولڈر بھی دیں گے, مواد بھی دیں گے, اور آپ لوگوں کو ٹریننگ بھی کرائیں گے. مرحبا. ٹھیک ہے, میں بعد میں آپ لوگوں کو کارڈ دے دوں گا, آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. جی اسی اتوار کو حیدرآباد. ٹھیک ہے, اچھا تو ہم بات کر رہے تھے. سب سے پہلے میں ایک کہانی سے کا آغاز کرتا ہوں. وہ کہانی جو ہے, ایک کا نام ہے احمد اور ایک کا نام ہے زین. ایک نام ہے احمد اور ایک نام کیا ہے زین. احمد اور زین دو دوست ہیں, دونوں کا بیک گراؤنڈ ایک جیسا ہے, دونوں ایک جیسے محلے میں رہتے ہیں, ایک جگہ پڑھا ہے, لیکن احمد اور زین میں کچھ خوبیاں کچھ بات ایسی ہے کہ جو لوگ محسوس کرتے. زین لوگوں سے کہتا ہے کہ اپنے دوستوں سے کہ آج جو ہے 8 بجے جائیں گے پکنک کے لیے, صبح جو ہے آپ لوگ سب تیار رہیں. 8 بج جاتے ہیں لیکن زین آتا نہیں, ان کے لوگ ساتھی بھی نہیں آتے. کیوں بھائی؟ گھر والے کہتے نہیں آپ لوگوں نے جانا نہیں, زین نے آپ لوگوں کی دعوت کی تھی کہ 8 بجے جمع ہونا. کہتے ہاں زین نے کہا ہے تو چلے جائیں گے نا, 9 بج جائیں گے. تو دوستوں کو یہ پتا ہے کہ زین کتنے بجے پہنچے گا, 9 بجے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے آفس پہنچتا ہے تو اپنے کلائنٹ سے کہتا ہے کہ آپ لوگ کا مال جو ہے کل تک پہنچ جائے, تو لوگ بار بار کہتے بھائی کل پہنچ جائے گا نا. ہاں پہنچ جائے گا, اور وہی ہوتا ہے کہ 3 دن بعد. تو لوگ پہلے سے 3 دن پہلے والی آرڈر جو ہے وہ 6 دن پہلے کر لیتے تاکہ 3 دن تک پہنچ جائے. اس کے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر جاتا ہے بچے شام میں انتظار کر رہے تھے کہ بابا آپ کہاں تھے, وہ ہمیں آئس کریم کھانے. ہاں بیٹا سنڈے کو چھٹی ہوگی نا, آپ سب کو لے جاؤ آئس کریم کھلاؤں گا, پارک لے جاؤں. جب سنڈے آتا تو وہ رات پہنچتا ہے 8 بجے, تو سب بچے جو ہے کچھ سوکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ سو رہے ہوتے ہیں, کچھ جیسے کسی کی آنکھ ہوتی ہے کہ بابا آیا ہے, تو بابا آپ نے تو کہا تھا آئس کریم کھاؤ. یار بیٹے نہ رہا تھا کل چلے گی, ٹھیک ہے اب سو جاؤ. اب تک اچھا, اب بچے جو ہے مسلسل یہ کام کرتے. اچھا بچوں کی نفسیات ہی بن جاتی ہے کہ بابا جو کہتے ہیں بس ویسے مٹر کھاتے. اس کے اہلیت کو پتا ہے کہ جب ہمیں جانے کا کہہ دیتے ہیں کہ آج آپ لوگ امی کے ہاں چھوڑ دیتا ہوں تو تیار رہو, تو وہ تیار ہو جاتے ہیں 7 بجے, اور وہ آتے آتے جو ہے وہ انہیں بچ جاتے. تو پھر جب یہ کہتا ہے کہ چلو, گھر والے کہتے ہیں چلے جائیں گے, اطمینان رکھو ابھی تو 9 بجے میں بوٹا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ احمد ہے. احمد جو ہے وہ ایک اپنے دوستوں کو جب کہتا ہے کہ 8 بجے آؤں گا تو وہ 7:50 پہ پہنچ جاتا ہے. وہ انتظار کرتا ہے لوگ آئیں گے گپ شپ لگائیں گے, جیسے ہی 8 بجاتے ہیں وہ انتظار کرنا شروع کرتا ہے, اس سے پہلے کسی کو تنگ نہیں کرتا. اس کے کسٹمر کو یہ بات پتا ہے کہ جب احمد بات کرتا ہے کہ آج پہنچ جائے گی تو اطمینان رکھو پہنچ جائے گی, کوئی خارجی پریشانیاں نہ ہو تو الگ بات ہے, باقی اس کی طرف سے انشاءاللہ کوئی وہ دیر نہیں. بچوں سے جب اس نے کہہ دیا کہ ہم 8 بجے جائیں گے تو ایسا کبھی شاید نادر ہوا ہو اتفاقی حوادثات کی وجہ سے, ورنہ تو وہ ہمیشہ اپنے کام کی طرح اس کو بھی کام سمجھتے. یہ جملہ سن لو, وہ اپنے کام کی طرح بچوں کے وعدے کو بھی کیا سمجھتا ہے, کام سمجھتا ہے, اور وہ اسی طرح اہمیت دیتا ہے, اور وہ بچوں کو لے جاتے ہیں اور ان کو آئس کریم کھلا دیتے ہیں. ان کے اہلیت کو بھی پتا ہے کہ جب احمد کہہ دیتے ہیں کہ 7 بجے گھر سے نکلیں گے
तो वाकई 7 बजे उसको तैयार होना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अहमद ने 7 बजे कहा और हॉर्न बजा के कहा ना हो कि गाड़ी तैयार है चलने के लिए। ऐसा आप लोगों ने देखा है अक्सर हमारे जिंदगियों में, ये दो अफराद की मैंने कहा आप लोगों को बताई, एक तो अहमद वाली और एक जैन। अब मैंने आप लोगों से सवाल पूछते, आप लोगों ने उसके जवाब दे, क्या करना भाई। पहला सवाल ये है कि फर्ज कर आप लोगों से कहा जाए एक ये जैन है और ये अहमद, ये जैन है और ये अहमद। अच्छा माजद के साथ आप लोग मुझे एक टाइम अगर मैं आप लोगों को थोड़ी तकलीफ दूं तो आप लोग तकलीफ करेंगे, चले सब करेंगे। पकड़े हो जाए और हाथों को ऊपर कर, एक लंबी सांस ले, लंबी सांस ले और नाक से निकाले। अब जो है हाथों को पीछे लाए इस तरफ, और मैं जिस तरह झुकता हूं आप लोग भी झुके, और बिल्कुल कमर को आहिस्ता सा लगे ताकि कमर को बेहतर झुकता हूं। टोपी और हंसे जिसम आराम से, और हाथों की जो पंजा है उसको सर की जान आहिस्ता कर देने लगे, और सर को पांव की जान झुकाओ, पांव की तरफ कैसे झुकाओ, सर को पांव की जान झुकाओ, और एक लंबी सांस ले और खड़े हो जाए। अब दोबारा पंजे पे खड़े हो जाए